So today is 28th of March 2024 and I'm at the highest peak of Jharkhand. टुडे वॉज डे टू. रात लेट सोने के बाद सुबह जल्दी उठने के बाद हम निकल जाते हैं टू एक्सपीरियंस द हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड. रात को काफी लोकल से पूछने के बाद ये तो कंफर्म था कि हम अपनी बाइक को ऊपर ले जा सकते हैं. बस हम पहाड़ में थोड़े अंदर जाते ही है कि ये गार्ड्स हमें रोक लेते हैं. उनका कहना था खर्चा करेगा तब जाएगा, खर्चा नहीं करेगा तो निकल जाएगा. वही बाहर का देख के लूटने की कोशिश और क्या. काफी देर बहसबाजी करने के बाद हमने ये सोचा कि जिसके लिए हमने 4 घंटे बाइक रात में चला के सुबह 3 बजे दी उठ के हम यहाँ पे आए हैं, कहीं वो ना मिस हो जाए, वो सनराइज. तो जैसे तैसे हम 500 रुपए में सेटलमेंट करके आगे बढ़ जाते हैं. यहाँ अधिकतर लोग पैदल चल रहे थे, कुछ लोग इसका सहारा तो कुछ लोग बाइक का, जैसे हम. बात करके पता चला कि पैदल यात्री तो रात 12-1 बजे से निकल जाते हैं क्योंकि ऊपर पहुँचते पहुँचते 6 घंटा या उससे ज्यादा लग जाता है. बाइक से जाने का रास्ता बहुत खराब था, इसीलिए रास्ते में एक आंटी ने हमें ये बोला. हमने भी बोला आंटी जी रिस्क है तो इसको. पहुंच गए ऊपर, इससे आगे अब बाइक नहीं जाती. 1 किलोमीटर पैदल ट्रैक करने के बाद हमारा सांस फूल रहा भाई. बाद हम पहुंच जाते हैं टू द टॉप ऑफ झारखंड, 1365 मीटर पारसनाथ टेम्पल.